नाम दिया। नई दिल्ली के भारत मंडपम में भाजपा का दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया ध्वजारोहण। जेपी नड्डा ने इस मौके पर कहा, पिछला दशक उपलब्धियों से भरा रहा। अधिवेशन से पहले प्रधानमंत्री की मौजूदगी में पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की हुई बैठक। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं से पार्टी को 370 सीटें जिताकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को श्रद्धांजलि देने का किया आह्वान। संदेश खाली हिंसा मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र। मामले को बेहद गंभीर बताते हुए पश्चिम बंगाल में की राष्ट्रपति शासन लगाने की अपील। भाजपा ने केंद्र से की तुरंत कार्रवाई की मांग। ईडी के कई समन नजरअंदाज करने के बाद आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दिल्ली की अदालत में पेश हुए अरविंद केजरीवाल। आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत ने 16 मार्च तक सुनवाई टाली। आज फिर इतिहास रचने की तैयारी में इसरो। शाम 5:30 बजे श्रीहरिकोटा से INSAT-3DS का होगा प्रक्षेपण। मौसम और आपदा संबंधित चेतावनी का सटीक पूर्वानुमान लगाने में मिलेगी मदद। अब से थोड़ी देर में जैसलमेर में दिखेगा भारतीय वायुसेना कदम। वायु शक्ति युद्धाभ्यास में तेजस और राफेल समेत मिराज और सुखोई दिखाएंगे अपना पराक्रम। खेल की खबरों में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने रचा इतिहास। पहली बार किया फाइनल में प्रवेश। सेमीफाइनल में दी जापान को 3-2 से मात। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में भाजपा का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो गया है। अधिवेशन से पहले पार्टी का ध्वजारोहण समारोह हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर भाजपा शासित राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ साथ पार्टी के सभी शीर्ष नेता मौजूद रहे। अपने संबोधन में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पिछला दशक उपलब्धियों से भरा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज हमारी पार्टी देश के 58% जनता का प्रतिनिधित्व कर रही है। 2014 से पहले हमारे सिर्फ 5 सरकारें थी, जहां 5 प्रदेशों में सरकारें थी, और लंबे समय तक हम 5-6 पर रुके हुए थे। लेकिन 2014 के बाद आपको जानकर के खुशी होगी कि आज एनडीए की 17 प्रदेशों में सरकारें हैं और 12 प्रदेशों में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हम उस समय 2014 से पहले लगभग 17.5 की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते थे। आज हम 58% की जनसंख्या पर प्रतिनिधित्व करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का की सरकारों का और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हुआ है। भाजपा के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत देश भर से आए पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं से पार्टी को 370 का आंकड़ा जिताकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को श्रद्धांजलि देने का आह्वान किया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही कि भाजपा 370 और एनडीए 400 पार, इसमें भाजपा 370 ये मात्र आंकड़ा नहीं है, तो इस चुनाव में भाजपा का कार्यकर्ता 370 सीटें जीतकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो बलिदान दिया था,
डॉक्टर मुखर्जी जी को ये 370 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। भाजपा महासचिव विनोद तावड़े ने पार्टी की पदाधिकारी बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार चुनाव में विपक्ष तू तू मैं मैं की राजनीति तो करेगा, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता सरकार के कामों को लेकर जनता के बीच जाएं। विकास युक्त ये सरकार, ये कार्यकाल रहा, ये जनता के पास ले जाने का आग्रह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सब पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने यह भी आग्रह से कहा कि विपक्ष इस चुनाव में तू तू मैं की राजनीति ज्यादा करेगा, अनावश्यक भावनिक मुद्दों को ज्यादा उछालेगा, लेकिन हमको विकास के आधार पर हमने जो गरीब कल्याण का काम किया है उस गरीब कल्याण के काम को लेकर ही आने वाले दिनों में हमारा कैंपेन होगा। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही एनडीए के सहयोगियों की संख्या बढ़ रही है। जयंत चौधरी की अगुवाई वाली आरएलडी एनडीए का हिस्सा बनने जा रही है। वहीं अब दक्षिण में भी बीजेपी के साथ टीडीपी का फिर से गठबंधन हो सकता है। जल्द ही चंद्रबाबू नायडू एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। वे पहले भी एनडीए के सहयोगी रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके सांसद बेटे नकुलनाथ जल्द ही भाजपा में शामिल हो सकते हैं। एक तरफ कमलनाथ के भी बीजेपी में जाने की अटकलें लग रही हैं, तो दूसरी तरफ कमलनाथ के बेटे और छिंदवाड़ा से कांग्रेस सांसद नकुलनाथ ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स के प्रोफाइल से कांग्रेस का लोगो हटा दिया है। गौरतलब है कि कमलनाथ नई दिल्ली पहुंच गए हैं। किसानों के प्रदर्शन के चलते दिल्ली के सारे बॉर्डर्स बंद हैं। टिकरी बॉर्डर पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। इससे सबसे ज्यादा परेशान ट्रक ड्राइवर्स नजर आ रहे हैं, जिनका कहना है कि ट्रकों में माल लोड है लेकिन बंद के कारण वो परेशान हैं। उनको खाने पीने की भी दिक्कत हो रही है। परसों से खड़ा है सर मेरा ट्रक और पीवीसी मार्केट से मेरी गाड़ी को लेकर आए थे। परेशानी बहुत है सर, माल पड़ा हुआ है लोडिंग के लिए, कोई सुनवाई नहीं है। पीवीसी मार्केट से यहाँ ले आए हैं और आज 3 दिन हो गए यहाँ खड़े खड़े, ना कुछ खाने पीने हुआ है, ना कोई लेटरिन बाथरूम, कोई सुविधा ही नहीं है। किसान आंदोलन की वजह से सिंगू बॉर्डर सील है। आवाजाही बंद होने के कारण आम जनजीवन लगातार प्रभावित हो रहा है। स्थानीय लोग और स्कूली बच्चे सीमेंट के बैरिकेड कूद कर अपने गंतव्य तक जाने को मजबूर हैं। सिंगू बॉर्डर की स्थिति का जायजा लिया है हमारे सहयोगी पराक्रम सिंह शेखावत ने। नेशनल हाईवे 1 जो कि वर्ष 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत इसके बनने की शुरुआत हुई थी। सिंगू बॉर्डर पर हम मौजूद हैं और NH1 का ये जो रास्ता है, ये रास्ता भारत के 5 राज्यों को जोड़ता है, जिनमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू और लद्दाख भी शामिल है। लेकिन किसान आंदोलन की वजह से ये जो रास्ता है ये पूरी तरह से बंद है। और ठीक 13 महीने पहले भी इसी तरह के किसान आंदोलन की वजह से ये रास्ता बंद किया गया था। अटल जी ने जब इसके निर्माण की शुरुआत की थी तो उसका सपना ये था कि इसके जरिए हम जो सड़क यातायात के तहत सड़क मार्ग को सुगम बना सकें और साथ ही साथ सड़क मार्ग से होने वाला जो व्यापार है उसको गति मिल सके। लेकिन एक बार फिर से जो हालात हैं वो किसान आंदोलन की वजह से उसका जो प्रतिकूल असर उसका है वो इस वक्त हम देख रहे हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से बंद है। और किसान आंदोलन में जब तक सरकार और किसानों के बीच कोई आम सहमति नहीं बन जाती तब तक ये जो स्थिति है, ये जो हालात हैं, ये जस के तस ही रहेंगे। देखिए, किसानों की कुछ अपनी मांगे हैं और सरकार के अपने तर्क हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में जो सबसे बड़ा खामियाजा, सबसे बड़ा जो नुकसान झेल रहे हैं वो झेल रहे हैं इस भारत के आम नागरिक। इन 5 राज्यों से जो दिल्ली की ओर आने वाले हैं या दिल्ली से जो इन राज्यों की तरफ जाने वाले जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, खासतौर से सड़क मार्ग से जाने वाले लोग। और साथ ही साथ यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी किसान आंदोलन की वजह से ही परेशान हैं। तार फेंसिंग की यह दीवार
कब तक हटेगी ये फिलहाल कोई नहीं बता सकता, लेकिन सवाल ये उठता है कि दोबारा से किसान आंदोलन का शुरू होना क्या किसी सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है, क्योंकि कुछ ही दिनों में हमारे देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा होनी है और देश चुनाव मोड में होगा। ऐसे में सरकार और किसान संगठनों के बीच बनने वाली सहमति कितनी सफल होती है ये भविष्य के गर्त में है। कैमरा पर्सन ललित के साथ सिंगू बॉर्डर से पराक्रम से शेखावत। और अब खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई। संदेश खाली हिंसा मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। पत्र में आयोग ने मामले को बेहद गंभीर बताया है, साथ ही पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की अपील भी की गई है। तो पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति आयोग ने मामले को बेहद गंभीर बताया है। संदेश खाली से जुड़ा हुआ ये मामला है और वहां पर राष्ट्रपति शासन की अपील की गई है। भाजपा नेता दिनेश त्रिवेदी ने संदेश खाली में केंद्र से कार्रवाई करने की मांग की है। देश भर से बीजेपी कार्यकर्ता नेता आए हुए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की बैठक के लिए। दिनेश त्रिवेदी हमारे साथ हैं। सर, संदेश खाली को लेकर ममता बनर्जी घेरे में है, ममता बनर्जी सरकार टीएमसी घेरे में। देखिए, बड़ा दुख होता है संदेश खाली जब आता है। मुझे वो दिन याद आता है जब हम लोग ने मिलकर टीएमसी बनाई थी, जब नंदीग्राम में नरसंहार हो रहा था सीपीएम और लेफ्ट गवर्नमेंट के समय में, वही आज संदेश खाले में हो रहा है। और जिसके लिए तृणमूल कांग्रेस पे हमने मिलकर सरकार बनाई थी कि वहां पर हम डेमोक्रेसी देंगे, आज जो सीपीएम ने किया था उससे कहीं गुना ज्यादा हो रहा है संदेश खाले में। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा कि जो लेफ्ट फ्रंट के टाइम में नंदीग्राम था, आज ममता बनर्जी के राज में संदेश खाली है। आम जनता बहुत ही रोष में है, उनको टीएमसी के गुंडों का भय अब चला गया। और मैं तो ये भी समझता हूं कि कल उठ के यदि ममता बनर्जी खुद संदेश खाली जाना चाहे तो वहां के लोग, साधारण जनता, कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन, उनको भी अंदर आने नहीं देंगे, इतना रोष है। आरोप है टीएमसी के करीबी पर कि क्यों उस पर कार्रवाई नहीं हो। आरोप पर्यारोप साधारण जनता सब जानती है। आज आप चले जाइए कहीं भी, कोई भी डिस्ट्रिक्ट में, जो संदेश खाली का हाल है ना, वो बंगाल के सभी डिस्ट्रिक्ट का हाल है। मैंने 3 साल पहले टीएमसी क्यों छोड़ा, इसीलिए छोड़ी कि मुझे दिख रहा था क्या हो रहा है। और आज साधारण जनता से आप बात करें, कॉमन मैन, वो कहेंगे कि यहां प्रेसिडेंस रूल लागू नहीं होगा तो नरसंहार होगा। मैं समझता हूं केंद्र की भी कोई जवाबदारी होती है, उनको चाहिए गवर्नर साहब के रिपोर्ट के बाद तुरंत कुछ ना कुछ वहां लागू करें। आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को एक्शन लेना चाहिए, गवर्नर की बिल्कुल लेना चाहिए। तो ये दिनेश त्रिवेदी है, मैं इनका कहना है कि वहां हालात ऐसे हैं कि राष्ट्रपति शासन जैसे हालात है, और 3 साल पहले उन्होंने इसीलिए टीएमसी छोड़ी थी क्योंकि जब उन्होंने देखा कि जनता के खिलाफ ममता बनर्जी टीएमसी सरकार काम कर रही है। संदेश खाली को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। कैमरामैन योगेश के साथ शैलेन्द्र मिश्र, डीडी न्यूज। और अब आबकारी घोटाले से जुड़ी खबर। इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। अरविंद केजरीवाल की तरफ से एडवोकेट रमेश गुप्ता अदालत में पेश हुए। सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से अदालत में कहा गया कि विधानसभा सत्र के चलते उन्हें मार्च तक पेशी से छूट दी जाए। कोर्ट ने 16 मार्च तक सुनवाई अब टाल दी है। शराब घोटाला मामले में ईडी के 5 बार समन भेजे जाने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए, जिसके बाद ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और केजरीवाल के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को आज पेश होने का आदेश दिया था कि आज वो व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश हों, पर उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई कि उनको व्यक्तिगत रूप से एग्जम्पशन किया जाए कोर्ट में आने के लिए, जो एप्लीकेशन स्वीकार कर ली गई। और ईडी के लॉयर लर्नर्ड एएसजी राजू जी ने भी इस बात को अपोज नहीं किया और कहा कि उनको कोई आपत्ति नहीं है, उनको एग्जम्पशन दे दी जाए। और 16 मार्च की अब 10:15 की डेट लगी है, उस दिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो केजरीवाल जी पेश होंगे और जमानत उनकी होनी चाहिए।
शराब घोटाला मामले में समन का पालन नहीं करने पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची थी। ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ पीएमएलए की धारा 50 और जांच में सहयोग नहीं करने के लिए सीआरपीसी की धारा 190 और 200 के तहत अपनी शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर 7 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को समन भेजा और 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था। इससे पहले ईडी ने केजरीवाल को पहली बार पिछले साल 2 नवम्बर को पूछताछ लिए पेश होने के लिए बुलाया था, लेकिन वे समन पर पेश नहीं हुए थे। वहीं दूसरे समन पर भी केजरीवाल पेश नहीं हुए थे। दूसरे समन पर केजरीवाल ने कहा था कि उन्हें विपक्षना सत्र में शामिल होना है। वहीं तीसरे और चौथे समन पर भी केजरीवाल पेश नहीं हुए। वे ईडी के पांचवें समन पर भी पेश नहीं हुए। केजरीवाल अलग अलग कारण देकर ईडी के समन से बचते रहे हैं। इस मामले में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और आपके संचार प्रभारी विजय नायर को ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। और अब आपको बता दें कि इसरो आज एक बार फिर इतिहास रचने वाला है और इनसैट 3DS लॉन्च करने वाला है। और आपको बता दें कि मौसम से जुड़ी जानकारी जो है इस इनसैट 3DS के जरिए मिलेगी। और अब से कुछ देर बाद इसरो ये इतिहास रचेगा जब इनसैट 3DS को लॉन्च किया जाएगा और GSLV के रॉकेट MK-23 के जरिए इस इनसैट 3DS को लॉन्च किया जाएगा और मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी इस सैटेलाइट के जरिए मिलने वाली है। और आपको बता दें कि इसरो इससे पहले भी और निगरानी के लिए निर्मित किया गया है। यह उपग्रह वर्तमान में प्रचालनरत इनसैट 3D और इनसैट 3DR के साथ मौसम विज्ञान सेवाओं में वृद्धि करेगा। As we wait for the launch, up next is the integration video for GSLV-14 inside 3DS mission. That the integration of the rocket that took place in SDS Ishar is brought to you. अभी आप देख रहे हैं यह प्रथम चरण के कोर बूस्टर का नोजल एंड सेगमेंट सबसे निचला भाग है। इसे सावधानी पूर्वक मोबाइल लॉन्च पेडेस्टल पर रख दिया गया है और इसके ऊपर की ओर आ रहा है यह मिडिल सेगमेंट है। यह प्रथम चरण का कोर बूस्टर कुल 5 भागों में बनाया जाता है। यह ठोस नोदक पर आधारित चरण है। यह तीसरा मिडिल सेगमेंट रख दिया गया और यह अंत में सबसे ऊपर की ओर हेड एंड सेगमेंट है। बड़ी सावधानी और गुणवत्ता सुरक्षा सभी को ध्यान में रखकर यह काम किया जाता है। यह इग्नाइटर है जो कोर बूस्टर को प्रज्वलित करता है। यह इंटर स्टेज प्रथम तथा द्वितीय चरण के बीच में जो इंटर स्टेज है इसे भी समायोजित कर दिया गया है। और यह आप देख रहे हैं L-40 तरल नोदक पर आधारित स्ट्रैपॉन बूस्टर। यह भी कोर बूस्टर के साथ व्हीकल असेंबली बिल्डिंग पर लाकर सावधानी पूर्वक संयोजित कर दिया जा रहा है। इस तरह कुल 4 L-40 स्टेजेस में लगेंगे। तरल नोदक पर आधारित यह L-40 US-25 तथा N-204 को ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर विकास इंजन का प्रयोग करता है। और यह है द्वितीय चरण GS-2 के नाम से हम जानते हैं। Visuals from the vehicle assembly building that stands 18 stories tall. You have watched the integration of the first stage, the core stage, and the 4 liquid strap-ons. And this is the second stage called the GS-2. And then the third stage, the cryo stage, which operates on liquid hydrogen and liquid oxygen, being prepared in its integration building and brought to the vehicle assembly building as a single unit for integrating with the launch vehicle. This is the equipment bay being hoisted very carefully and being placed on the cryo stage, upon which the
satellite encapsulated assembly will sit, and these are the visuals from the clean room at the satellite preparation facility, the INSAT 3DS satellite getting ready to be assembled. यह 3D इनसैट 3DS उपग्रह है जो पूर्ण समायोजित होकर परीक्षित होकर यहां समायोजन के लिए लाया गया है. परीक्षण के पश्चात यहां से पेलोड एडाप्टर के ऊपर समायोजित कर ऊष्मा कवच के अंदर सुरक्षित कर दिया जाएगा. That's the integration of the satellite with payload adapter, and then the closure of the two halves of heat shield or the payload fairing as it is called. It will now be moved from the satellite preparation facility to the vehicle assembly building. यह ओजीव आकार का ऊष्मा कवच है जो कि वायुगति के दौरान स्थिरता बनाए रखता है. The final movement of the rocket, all decked, all ready, towards the launch pad, where it will occupy few days for its preparation, waiting for the launch. Now, this is the visual from the second launch pad. Majestic view. Yeah, पूर्ण संयोजित GSLV-R launch vehicle. दृढ़ता से लॉन्च पैड पर खड़ा हुआ, अपने अंतिम जांच के पश्चात प्रमोशन के लिए तैयार और अपने मिशन के लिए तैयार. सभी यहां उत्सुक प्रमोशन को देखने के लिए. T-8 minutes. For the GSLV launch, there are two major launch critical ground systems at the launch pad. The re-engageable launch hold and release system, RELHRS, ensures that the launch vehicle is held on the pedestal against disturbing forces during the strap-on engine startup and thrust build-up. And a pair of cryo arms which support the heavy vacuum insulated hoses for the servicing of LOX and LH2 from umbilical tower to the launch vehicle. This one separates and swings out milliseconds after lift-off sensing. This promotion ka ghatnakram kuch is prakar hai. यहाँ उल्टी गिनती करते हुए T-4.8 seconds पर तरल नोदक वाले 4 L40 स्ट्रैपॉन का प्रज्वलन शुरू होगा. उचित दाब की प्राप्ति होने पर LHRS लॉन्च होल्ड एंड रिलीज सिस्टम T-7 minutes को मुक्त कर दिया जाएगा और तभी T0 पर कोर बूस्टर S139 का प्रज्वलन शुरू होगा. इस समय प्रमोशन यान का प्रमोशन होगा और प्रमोशन मंच से उत्थापित होगा. प्रथम चरण लगभग 110 सेकेंड तक प्रज्वलित रहकर यान को 40 किलोमीटर की ऊंचाई प्रदान करेगा, लेकिन L40 स्टेज 148 सेकंड तक प्रज्वलित रहेंगे. अब यान की ऊंचाई 70 किलोमीटर की होगी, तब प्रथम चरण को यान से पृथक कर दिया जाएगा. इस यान में द्वितीय चरण का प्रज्वलन पहले शुरू हो गया और पृथक के तुरंत बाद ही द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो जाता है. इसे हम हॉट सेपरेशन कहते हैं. अभियान 70 किलोमीटर की ऊंचाई पर 2.28 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ अपने यात्रा जारी रखेगा और द्वितीय चरण का प्रज्वलन के 24 सेकंड के पश्चात 110 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर लेने पर यान से ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया जाएगा. द्वितीय चरण अपना कार्यकाल 141 सेकंड का पूरा कर यान को 130 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाएगा तथा यहाँ पर सापेक्ष गति होगी 4.76 किलोमीटर प्रति सेकंड. तत्पश्चात GS2 यानी द्वितीय चरण को यहाँ से पृथक कर दिया जाएगा. यह पूरा काम ऑनबोर्ड कंप्यूटर द्वारा संपन्न किया जाता है. द्वितीय चरण के अलग होने के 1 सेकंड पश्चात ही सबसे जटिल इंजन वाले ड्राइव इंजन का प्रज्वलन शुरू कर दिया जाएगा. यह तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन पर आधारित क्रायो चरण है. यह वह अंतिम चरण है जो इनसेट 3DS उपग्रह को करीबन 827 सेकंड प्रज्वलित रहकर उद्दिष्ट कक्षा में स्थापित करेगा. We are 5 minutes away from the launch, and while we wait,
For the launch to take place, let me appraise the viewers regarding the burn-in staging events expected to take place for the nominal flight of GSLV F-14 INSAT-3DS mission. The four strap-on stages, the L-40s, will ignite first and 4.8 seconds later, after ensuring their full thrust, the core S-139 ignites. Ignition of S-139 coincides with the T-0 or liftoff. All the five engines develop thrust simultaneously. At 110 seconds into flight and 40 kilometers altitude, S-139 burns out and L-40 stages continue to develop power till 148 seconds. Though the first stage completes its operation, the staging of first stage is typical hot separation, wherein the second stage, GS-2, ignites before the separation of GS-1. By now, the rocket is at 70 kilometers altitude. T-minus 4 minutes. The burn time of GS-2 is 141.4 seconds. By the time the stage completes operation, an altitude of 130 kilometers would have been achieved. During the operational regime, the rocket clears the dense atmosphere and hence two major flight events take place. Initiation of closed-loop guidance and separation of payload fairing. 3 seconds after GS-2 completes its operation, it is separated from the ongoing rocket. The cryogenic upper stage is commanded for ignition 1 second thereafter. This third stage of GSLV is powered by indigenous engine and stage C-15. The burn time of third stage is 113 seconds. While only 100 kilometers is added in terms of altitude, the relative velocity addition is remarkable, 5 kilometers per second. T-3 minutes. For the viewers to better appreciate this change in velocity, let me tell, when cryo stage begins, the relative velocity is 16,920 kilometers per hour, and by the time it ends its operation, it is 34,920 kilometers per hour. This high velocity is characteristic of geosynchronous transfer orbit. The spacecraft of the mission INSAT-3DS is scheduled to be injected at 1123 seconds into flight, or as close as possible to this time mark when the right orbital parameters are achieved. This is the periapsis of the orbit. Once the spacecraft reaches the apoapsis of this high eccentricity orbit, it performs a burn using spacecraft propulsion to circularize its orbit. अब हम प्रमोचन से 2 मिनट की दूरी पर T-minus 2 minutes. Excitement for the launch building up. We are very close to the launch, about 9200 seconds away. सभी छात्र छात्रगण बड़े उत्साहित होकर इंतजार करते हुए प्रमोचन का भारी संख्या में यहां उपस्थित हैं. मौसम पूरी तरह अनुकूल, शाम का समय है, ये सारी गतिविधियां सुचारू रूप से जारी हैं. सुजन टैंक रेडी. सर्वप्रथम हम ध्यान देंगे L-40 का इग्निशन शुरू होगा और कोर बूस्टर के प्रज्वलन के तुरंत पश्चात क्रायो आर्म को अलग रिट्रैक्ट कर दिया जाएगा. ऑल स्टॉप साउंड माइनस 55 सेकंड्स. L-40 VHPP ओपन माइनस 50 सेकंड्स. गैस बॉटल रेडी. माइनस 45 सेकंड्स. ऑल सीक्वेंसर साउंड. हाइड्रोजन टैंक रेडी. क्रायो स्टेज रेडी. माइनस 40 सेकंड्स. GS-2 VHPP ओपन माइनस 35 सेकंड्स. माइनस 30 सेकंड्स. L-40 VSPP ओपन. टाइम प्रोग्राम सेट. माइनस 25 सेकंड्स. GS-2 VSPP ओपन. GS-1 इग्निशन. माइनस 20 सेकंड्स. माइनस 15 सेकंड्स. 10 9 8 7 6 5 4 3 2
1 L40 stage zero. Are ignited. Plus 5 seconds. Tip top normal. A perfect lift off. GSLV F14 inside 3DS progressing towards its destination. Performance normal. जी हाँ, अभी हमने देखा चारों L40 तथा कोर बूस्टर का प्रज्वलन शुरू हो चुका है और GSLV F14 उत्थापित हो अपने उद्दिष्ट दिशा की ओर बढ़ता हुआ. Clear sky, we can see the rocket very beautiful. And from the mission control center here, we can hear the vibrator also. शाम का समय, बहुत दूर तक हम यान को देख पा रहे हैं. सामान्य प्रज्वलन, इसका कंपन भी हमें यहां महसूस होता है. यान अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ता हुआ. प्लस 1 मिनट. प्रथम चरण के कोर बूस्टर का प्रज्वलन काल 110 सेकंड के करीब होता है और इस दौरान यह 8400 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है. फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल. प्रथम चरण में कोर बूस्टर तथा 4 L40 स्ट्रैप ऑन बूस्टर सामान्य निष्पादन करते हुए. प्रेजेंटली द कोर बूस्टर एंड द 4 L40 स्ट्रैप ऑन्स थ्रस्टिंग साइमल्टेनियसली. S139 scheduled to burn 410 seconds. एनिमेटेड व्यू में आप देख पा रहे हैं 4 L40 तथा कोर बूस्टर S139 प्रज्वलित है. फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल. कोर बूस्टर अब बर्नआउट हो चुका है, उसका प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है, लेकिन L40 अभी भी जारी हैं. इन्हें 148 सेकंड पर बंद कर यान से पृथक कर दिया जाएगा. The 4 L40s thrusting presently. The launch vehicle is being tracked by the tracking station at Shar. 40 stages thrust cut off. First stage separated, second stage ignited. रेंज ऑपरेशन निदेशक ने अभी इसकी पुष्टि की. प्रथम चरण को यान से सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है और उसके तुरंत बाद ही GS2 द्वितीय चरण का प्रज्वलन भी शुरू हो चुका है. सेकंड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल. There are a quick succession of several flight event confirmations by the range operations director. Plus 3 minutes. First stage comprising of the S139 and L40s have been separated. The second stage is ignited and the performance is reported to be normal. We are 190 seconds past the launch time. Present altitude is close to 100 kilometers and closed loop guidance has been initiated. वर्तमान में द्वितीय चरण GSLV F14 का प्रज्वलनरत है. सेकंड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल. इस दौरान यह 846 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर यान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जा रहा है. इसमें विकास इंजन का उपयोग किया जा रहा है और इसमें इंजन जिबल यान से ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है. यान की ऊंचाई 113 किलोमीटर है. यह घने वातावरण को पार कर चुका है. 4 मिनट्स. Dense atmosphere has been crossed by the launch vehicle and hence the payload fairing has been separated. Presently, Shar ground station continues to track and Port Blair station has started to acquire the data. यह मिशन पूर्वी दिशा का मिशन है, इसलिए शार स्थित पोर्ट ब्लेयर स्थित ग्राउंड स्टेशन वर्तमान में इसे ट्रैक करते हुए. द प्लांट बर्न टाइम ऑफ GS2 इज 141 सेकंड. क्रायो ऑपर स्टेज जो कि तृतीय चरण है GSLV F14 का, उसे ऑथराइज कर दिया गया है प्रज्वलन के लिए. द्वितीय चरण के प्रज्वलन काल के पश्चात पृथक्करण होगा. स्टेज थ्रस्ट कट ऑफ.
द्वितीय चरण के प्रज्वलन काल के पश्चात उसे यहां से पृथक कर दिया गया है। Jubilant atmosphere here in the Mission Control Center as the confirmation of the CUS engine startup has been obtained. जी हाँ, सभी वैज्ञानिक यहाँ उत्साहपूर्वक इंतजार करते हैं सबसे जटिल इंजन क्रायो इंजन का प्रज्वलन, जिसकी पुष्टि हो चुकी है वह प्रज्वलित हो चुका है और सामान्य निष्पादन करते हुए उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। क्रायो इंजन लिक्विड ऑक्सीजन तथा लिक्विड हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर 75 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करेगा और इसका कुल प्रज्वलन काल 814 सेकेंड। Burn time for cryogenic upper stage is 814 seconds. सभी दर्शकों के लिए यह उत्साहपूर्ण पल। Cryo stage performance normal. Present relative velocity is close to 5 kilometers per hour. The cryo stage. I'm sorry, the relative velocity presently is 5 kilometers per second. सभी वैज्ञानिक अपने कंसोल पर आंकड़ों का अध्ययन करते हुए इस मिशन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं। इनसेट 3DS पृथ्वी के सतह की निगरानी करने के लिए मौसम विज्ञान के महत्वपूर्ण महत्व के विभिन्न वर्णक्रमीय चैनलों में समुद्र और उसके पर्यावरण का प्रेक्षण करना, वायुमंडल के विभिन्न मौसम संबंधी मापदंडों की पूर्व रूपरेखा तैयार करना, डेटा संग्रह तथा डेटा प्रसारण की क्षमता को बढ़ाना, उपग्रह की सहायता से खोज एवं बचाव सेवाएं प्रदान करना, यह सभी उद्देश्यों के साथ इनसेट 3DS यात्रारत है अपने उद्देश्य कक्षा की ओर। प्लस 8 मिनट्स। द सैटेलाइट इनसेट 3DS इज फुली फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, वेरियस ऑफ इट्स डिपार्टमेंट्स सच एज इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट IMD, National Center for Medium Range Weather Forecasting NCMRWF, Indian Institute of Tropical Meteorology IITM, National Institute of Ocean Technology NIOT, and Indian National Center for Ocean Information Services INCOIS, and various other agencies and institutes will be using INSAT-3DS satellite data to provide improved weather forecasts and meteorological services. इनसेट 3DS उपग्रह को पूर्णतः इसरो के मानकानुसार तैयार किया गया है। क्रियो स्टेज परफॉर्मेंस इस उपग्रह का अक्ष नियंत्रण शून्य संवेग प्रतिनिधि तंत्र पर निर्धारित है, जो 4 रिएक्शन व्हील्स तथा जायरो की मदद से क्लोज लूप नियंत्रण का प्रयोग करेगा। इसमें ऊर्जा तंत्र में 100 एम्पियर आवर लिथियम आयन बैटरी के साथ एक तरफा सौर पैनल का प्रयोग किया जा रहा है, जो लगभग 1.6 किलोवाट की ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। इसमें सक्रिय तथा निष्क्रिय ताप नियंत्रण का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस उपग्रह को 10 साल के मिशन काल के लिए अभिकल्पित किया गया है। इनसेट 3DS के निर्भार में 6 चैनल इमेजर है, 19 चैनल साउंडर, डेटा रिले ट्रांसपॉन्डर और उपग्रह सहाय खोज एवं बचाव के लिए ट्रांसपॉन्डर्स लगे हुए हैं। इन सभी निर्भारों के द्वारा इनसेट 3DS मौसम संबंधी क्रांतिक आंकड़ों को इकट्ठा करने में सक्षम होगा।
प्लस 10 मिनट्स। मौसम संबंधी सभी आंकड़ों को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभाग जैसे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र और ऐसे कई प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थानों के साथ साझा कर इस उपग्रह को अधिक से अधिक उपयोग में लाया जाएगा। इन सभी आंकड़ों से मौसम पूर्वानुमान और संवर्धित होगा और सटीक हो सकेगा। वर्तमान में क्रायो अपर स्टेज प्रज्वलित है और समान निष्पादन कर रहा है। अब यान की ऊंचाई 136 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड है। We are close to 11 minutes past the launch time. Port Blair station currently tracking and Brunei station will shortly start to acquire the data. InSat 3DS satellite carries a multispectral imager or optical radiometer capable of generating images of Earth and its environment in 6 wavelength bands. Atmospheric motion vectors are derived by tracking clouds or water vapor pattern in successive satellite images. AMV includes information on wind speed and direction. The 19-channel sounder payload will provide the information on the vertical profiles of the atmosphere, sea and land surface temperature, cloud properties, and microphysical parameters, upper tropospheric humidity, humidity profiles, plus 12 minutes, and total ozone, etc., to study about atmosphere, land, and ocean. Data Relay Transponder receives global meteorological, hydrological, and oceanographic data from automatic data collection platforms or automatic weather stations from multiple users and relays back to user terminal. The data products that are generated cater to varied range of applications. The history of automatic weather stations in India can be traced back to 1980 when IMT conducted a pilot experiment with ISRO to operate small network of data collection platforms via satellite for Earth observation to the receiving station at Sriharikota. Radio stage performance in 1997, the AWS network was upgraded. IMT has a network of many AWS, Agro AWS and ARC. इस उपग्रह में मुख्य निर्भार के रूप में है इमेजर पेलोड। इनसैट 3DS उपग्रह का यह निर्भार एक मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजर है जो पृथ्वी और उसके पर्यावरण की 6 तरंग वेवलेंथ में प्रतिबिंब लेने में सक्षम होगा। इस उपग्रह में 19 ट्रांसपॉन्डर पेलोड भी हैं। साउंडर पृथ्वी के वायुमंडल की लंबवत रूपरेखा तैयार करेगा और इसमें सम्मिलित हैं तापमान, आर्द्रता आदि सम्मिलित हैं। इसमें डेटा रिले ट्रांसपॉन्डर लगे हुए हैं जो स्वचालित डेटा संग्रह प्लेटफॉर्म में वैश्विक स्तर पर मौसम, जल तथा समुद्र विज्ञान के आंकड़ों को इकट्ठा कर एक जगह से दूसरी जगह रिले करने में सक्षम होंगे। इस उपग्रह में खोज और बचाव कार्य के लिए ट्रांसपॉन्डर लगे हुए हैं। इसमें बीकन ट्रांसमीटर है जो आपदा संदेशों को रिले करता है और चेतावनी संदेशों के लिए भी संवेदनशील है। UHF बैंड में वैश्विक कवरेज के साथ यह आपदा प्रबंधन में एक बहुमूल्य सहायक होगा। क्रियो स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। वी आर 14 मिनट्स 30 क्लोज टू 30 सेकंड्स पास्ट द लॉन्च टाइम। क्रायो स्टेज प्रेजेंटली ऑपरेशनल एंड डेवलपिंग नॉमिनल थ्रस्ट। Brunei station continues to track. यह मिशन पूर्वी दिशा का मिशन है इसलिए ग्राउंड स्टेशन शार 1, शार 2 तथा पोर्ट ब्लेयर ब्रूने बैक स्थित ग्राउंड स्टेशन हमें इसके आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं।
INSAT 3DS satellite is configured around ISRO's well-proven I2K bus platform. Satellite bus is the main body and structural component of a satellite in which the payload and all scientific instruments are held. A bus typically consists of the following subsystems: command and data handling system, communication system and antennas, electrical power system, propulsion thermal control, attitude control system, navigation guidance and control, structures and trusses. INSAT 3DS weighs 2,274 kilograms, hence the selection I2K bus. क्राय ऊपर स्टेज तृतीय चरण और अंतिम चरण है जीएसएलवी F-14 का. वर्तमान में यान की ऊंचाई 153 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 8.3 किलोमीटर प्रति सेकंड है. सभी तंत्र क्राय इंजन के सामान्य निष्पादन करते हुए इस दौरान यह 75 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर उपग्रह को उद्दिष्ट कक्षा में ले जाता है. इसमें अभिवृत्ति नियंत्रण के लिए दो वर्नियर जेट्स लगे होते हैं. यान पूर्णतः टेक्स्ट बुक लॉन्च प्रदर्शित करता हुआ, जैसा अनुमानित था, अनुमानित पथ के ऊपर में ही जाता हुआ जीएसएलवी F-14 प्लस 17 मिनट्स. यह भी दर्शाता है कि हमारी गणना और सभी कार्य सुनिश्चित सुनियोजित तरीके से पूरी हुई हैं और गुणवत्ता का खास ध्यान रखा गया है. ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रेजेंट लॉन्च इज टू प्लेस द वेदर ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट INSAT 3DS इन जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, whose perigee is 170 kilometers and apogee is 37,682 kilometers. Cryo stage performance normal. The relative velocity acquired presently is 9.28 kilometers per second. अब कुछ ही सेकंड्स में हम देखेंगे तृतीय चरण के कार्यकाल को समाप्त कर इसे बंद कर दिया जाएगा और अंतक्षेपण उपग्रह के अंतक्षेपण की स्थितियां प्राप्त होते ही उपग्रह को तृतीय चरण से पृथक कर उसकी उद्दिष्ट कक्षा में अंतक्षेपित किया जाएगा. टेलीमेट्री द्वारा डेटा में थ्रस्ट कट ऑफ सैटेलाइट इजेक्शन कंडीशंस आर अचीव्ड. क्रायो चरण को बंद कर दिया गया है. सुनियोजित ढंग से यह किया जा रहा है, यह पूर्व निर्धारित है. सर 3DS सैटेलाइट सेपरेटेड. जीएसएलवी F-14 INSAT 3DS मिशन अकम्प्लीश. हैंडिंग ओवर टू मिशन डायरेक्टर. जी हाँ, सभी दर्शकों को शुभकामनाएं. यहाँ INSAT 3DS उपग्रह को अंतक्षेपित कर दिया गया है. एंड वी हैव अ सक्सेसफुल मिशन ऑफ GSLV F-14 INSAT 3DS. हार्टी कांग्रेचुलेशंस टू टीम ISRO एंड यूजर्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस. Do continue to stay tuned for the address by Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Sri S. Somnath. जब हम आपको ले चलते हैं चेयरमैन इसरो के भाषण के लिए.
आप देख रहे थे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सीधा प्रसारण, जहां इसरो को एक और बड़ी उपलब्धि मिली है और आज इतिहास एक बार और रचा गया है इसरो के द्वारा, जहां इनसैट 3DS को सफल प्रक्षेपण किया गया है और GSLV-F14 की मदद से इनसैट 3DS का सफल प्रक्षेपण किया गया है। और आपको बता दें, ये एक मौसम उपग्रह है जो मौसम की सटीक जानकारी देगा। और आपको इस उपग्रह के बारे में बताएं, ये उपग्रह 2274 किलोग्राम का है और इसकी लंबाई 51.7 लंबी मीटर है। और इसका अब से कुछ देर पहले श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में सफल प्रक्षेपण किया गया है। और आपको एक बार फिर लिए चलते हैं श्रीहरिकोटा, जहां इसरो प्रमुख एस सोमनाथ। द स्पेसक्राफ्ट हैज बीन इंजेक्टेड इनटू अ वेरी गुड ऑर्बिट, द इंजेक्शन कंडीशंस वर एज एक्सपेक्टेड एंड वी आल्सो नोटेड दैट द व्हीकल हैज परफॉर्मड वेरी वेरी वेल एंड कांग्रेचुलेशंस टू एवरीबॉडी हु हैज बीन पार्ट ऑफ दिस mission, the team that built the InSat 3DS for the Ministry of Earth Science from the satellite centers, and also the launch vehicle teams who built the GSLV-F14 for this mission. My greetings and congratulations to everybody for this accomplishment. And InSat 3DS is the next generation weather satellite with improved capability over the existing InSat series, which is there in orbit, InSat 3D and InSat 3DR. And this will augment the capability of observation of various atmospheric parameters that leads to the information related to the weather and the climate. And also it gives a lot of data in terms of the data collection platform as well as disaster, distress alert terminal related operations as well. So let me congratulate the team who built the payloads, the satellite, and also the launch vehicle for this excellent mission this year. Let me hand over to the mission director, Sri Tommy Joseph. Thank you, sir. Respected Chairman ISRO, Celebrity Dex, all the gurus and the all the colleagues from all ISRO centers. So the naughty boy has now become and matured as a very obedient and disciplined boy. And so like PSLV, GSLV has also become a very robust vehicle for ISRO. So I congratulate and salute all the ISRO family members on this occasion. So GSLV F40 vehicle, after the majestic liftoff, it has injected inside 3DS or satellite into the precise ejected orbit. So this is the 10th mission of GSLV with the cryogenic initial stage actually. So in this mission, compared to the previous mission, around 50 kg payload he was increased actually. So this mission is possible only by the hard and dedicated work of all the ISRO employees. So I thank Chairman ISRO, all the secretaries for their consistent and continuous guidance, support and encouragement. And I also thank Chairman, alternate Chairman MR, Chairman LAMP, Chairman FRLV, alternate Chairman, and all the review forums for the excellent review, comprehensive review. And also I thank all the SDAs, System Development Agencies, and the reliable SR agencies all over the ISRO centers, across all the centers, for the excellent delivery of all the timely delivery of all the subsystems and vehicle systems, and also the SR agencies for the critical quality assessment. And I also thank the industrial partners who have delivered very high reliable vehicle systems. I compliment our family members, very loving family members, who have supported indirectly for this mission. I also thank the old National Eminent Committee experts who have given us very valuable guidance, and all the gurus and pioneers here. I am extremely happy to thank actually the project executives, mission executives, and the vehicle team led by Vehicle Director Karthikeyan and Associate Vehicle Director Gladwin, and also for their excellent teamwork. And also, I thank the satellite team led by MDS Ahmed. And I wish all his subsequent operations also very success. I am extremely grateful to Chairman ISRO and the higher management for giving me this opportunity, and also the responsibility of leading this project. We are eagerly looking for the next prestigious GSLV mission, an international collaboration with NASA for the NASA launch. I wish all the very success for the future endeavors
and missions of ISRO. Once again, I thank each and everyone, and also the Almighty, for this magnificent mission. Thank you. Jai Hind. We are also very happy to announce the deployment of the solar panel of the satellite. And before we move further, I request the Space Rod Director, Sri Imtiaz Ahmad, for his words. मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है. रेस्पेक्टेड चेयरमैन इसरो, सेंटर डायरेक्टर्स, माय सीनियर कलीग्स एंड ऑल फेलो इसरोइट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. फर्स्ट ऑफ ऑल माय हार्टी कंग्रेचुलेशंस टू द ऑल इसरो टीम मेंबर्स एंड द फैमिली मेंबर्स फॉर ए मार्वेलस लॉन्च. फैक्ट फर्स्टली आई शुड थैंक GSLV टीम फॉर प्रिसाइज इंजेक्शन orbit and the 4-meter payload fairing, as well as the maximized lift off mass. In fact, we could not have asked better than this, perhaps. In fact, the 4-meter payload fairing is extremely important for the satellite community, as it provides larger flexibility for building larger spacecrafts. In fact, INSAT-3DS is a live example where a lot of improvement could be achieved due to the larger fairing. Now, INSAT-3DS is essentially a third-generation meteorological satellite built around I2K platform with imager, sounder, DRT, and SAR payloads. The payload systems are designed for monitoring land, ocean, its environment, as well as the vertical profiling of the atmosphere for the weather forecasting and the disaster warning systems. Now, also, the payload includes data dissemination, data collection and dissemination capability, as well as satellite added search and rescue services with the global receive coverages. Now, while INSAT-3DS will provide continuity of services for INSAT-3D and 3DR, the payloads of INSAT-3DS has been significantly enhanced, as Chairman has already told, and the enhancement is in terms of configuration, content, and capability, resulting into improved radiometric accuracies, black body calibration, and the increased imaging throughput. Now, already INSAT-3DS is on its way to the destination. Chairman sir mentioned that the solar panel is already deployed. A series of orbit testing maneuvers will be performed over next few days, followed by in-orbit testing and the commissioning of the spacecraft. On this joyous occasion, I would like to thank Chairman ISRO, Center Directors, my senior colleagues, and review forums for their unstinting support throughout. The celebration will only be meaningful and complete with my team members, engineers, technicians, and administrative staffs who toiled hard to make this wonderful satellite. Before I end, I wish to acknowledge the personal sacrifices made by the team members and their families, which made today's triumph possible. I am sure this satellite will be another colorful feather in India's meteorological satellite constellation, saving the life of millions and properties worth billions. Thank you all. Jai Hind. With this mission, our confidence on the GSLV is further high. And as all of you know, that the next mission of the GSLV is going to be the NASA ISRO Synthetic Aperture Radar Satellite, which is scheduled. And this gives us greater confidence on this mission to take on with the accomplishment of the NISAR launch soon. But before we end, I would like to request the Center Directors to have their quick feedback and response to this mission. First, let me invite the Director of ESS. Good evening. We had a very successful GSLV mission, though it is called as a naughty boy, but you have seen that yes, though it has become smarty, still the name carries sometimes, you know, children, they are naughty, their name will be there, but it has become very smarty and naughty, but still it is called naughty, but I'm sure the reliability of the vehicle is high. It is now just demonstrated is with 4-meter firing, and it is as reliable as any other vehicle. I
It was the campaign also was very smooth, and the 27 plus count time also even less. Everything was very smooth, and I take this opportunity to thank the entire launch vehicle centers, especially VSSC, LPSC, IASU, SHAR, and STRAC, and SDAC. Of course, wishing all the very best to the satellite team for further smooth ride. Thank you. Good evening to all of you. Today, we in ISRO have made yet another major accomplishment. The 16th GSLV vehicle, the GSLV F-14, equipped with 10th indigenous cryogenic stage, has placed the INSAT 3DS spacecraft in the required orbit. All the vehicle systems, which include S-139 solid motor, 5 restorable propulsion stages, cryogenic upper stage, and all the vehicle systems have performed as expected and as predicted. From the first GSLV D1 flight, which lifted off 1,526 kg satellite, we have gradually improved the performance of the vehicle in an innovative and smart way, and the payload today is 50% increased, and we have placed the 2,274 kg satellite in the required orbit. This vehicle also had large number of control components, fluid control components, something around 444 fluid control components and modules. Everything has performed as expected. Today's achievement once again demonstrate the team and smart work of ISRO and our robust and open review system and the superior techno-managerial leadership. I am sure the spacecraft built by the for the MOS will serve its intended function and serve our nation in the coming years. On this occasion, I am extremely happy about the performance of the systems and congratulate all the ISRO team members, our family members, the industrial partners, and thank all our elders. Thank you. Jai Hind. Good evening. As with age, a wine matures, this INSAT 3DS spacecraft as well as the GSLV launch vehicle seem to have matured. Now the launch vehicle has given an textbook-like performance with additional 2,800 kilometers extra altitude, which will mean ultimately another 3 months life for the spacecraft. The spacecraft also, which was started during the 2016-17 time frame for realization as a ground spare for the INSAT 3DR spacecraft, has now been tended to by the project team for over the past 6-7 years to make it ready for launch now. And this period has been well utilized by both the spacecraft team as well as the payload team, so that the whatever minor observations were there in orbit in INSAT 3D and 3DR have been accounted for and corrected, verified, and now we have this spacecraft moving towards its final destination. And I am seeing that the first commands also have been sent to the spacecraft, and the spacecraft is responding. So we are looking forward to extended life for this INSAT 3DS spacecraft to meet the requirements of our MOS ministry as well as the IMD's capabilities of weather forecasting is going to get some additional strength through this data that is going to be provided by this. I also take this opportunity to thank our launch vehicle friends for making this INSAT 3DS launch by GSLV F-14 a meticulous one. Thank you very much, and Jai Hind. Good evening and congratulations to all of you. So just like our last mission, this mission also has become quite a marvelous success, and the injection accuracies that we have achieved are also comparable to last F-12 mission. At this occasion, let me congratulate the entire team, entire ISRO team, also my IASU team specifically, who has provided this
navigation system, which is our legacy navigation system called Lessons 4, which is flying on its 31st mission now. And we are very proud of its performance. So, congratulations to all of you, the ISRO team, the industries, and the nation that supports us always. Thank you. Thank you all. Congratulations, India. It has been a very wonderful experience to build this vehicle, to build the stages for all these vehicles, and to see the successful performance of this vehicle on this day, taking the satellite to the designed orbit. And at this point of time, I thank the IPRC community for bringing the four engines successfully for the L40 stages, the GS2 stage and the CUS stage, the host of testing of all the spacecraft propulsion systems, and supplying the quality liquid hydrogen for the launch. I also wish the spacecraft team to take further to the geostationary orbit and do all the operations successfully for the years to come. Jai Hind. Good evening. It's heartening to note that we had a marvelous launch, and all the stations down the range have tracked perfectly from Brunei, Biak, as well as Port Blair. All the teams have really done excellent review and ensured that there is no stone left unturned. I would like to congratulate the project, the satellite team, and we have many more operations to go, and our ISRAC stations are going to support for raising the orbit to geosynchronous orbit. Thank you one and all, and congratulations once again. Jai Hind. As is customary, the last word is always from the host center, Satish Dhawan Space Center, director of the Satish Dhawan Space Center, who is the chairman of the launch authorization board, will speak now. Thank you, sir. Respected Chairman, mentors, all ISRO colleagues, and all those witnessing a very important mission, the weather satellite, weather and climate satellite, one of the heaviest ones launched by GSLV, F-14. As we recall, all the engines and every preparation of the stage was prepared well in advance. And the launch campaign was actually very smooth, and as all the solid motors, segments, everything has went without any hitch, no issue, and it's one of the most cleanest launch campaign that we have witnessed in the recent times, without any hiccups and smooth. And it goes for the professionalism that we have shown here, that we had both final MRR clearance and lab well in advance of 2 days of the launch. That speaks the confidence level that this launch vehicle has been achieved. And also kudos to the entire team, and also the ground segments team at SHAR, as well as all over the centers to have done such an excellent job. Keep it up. We are also, whatever is expected of this vehicle for this campaign has been achieved, and there is a lot of enthusiasm in keeping this going, and we are also getting ready for the next launch as per the director was putting. So, once again, excellent work, teamwork, achieving this, expecting the next launch campaign to start soon, expecting to see you all in the next launch campaign. Thank you. Thank you very much. And Jai Hind. Thank you once again. Goodbye from Satish Dhawan Space Center, and we meet for the next launch process from Satish Dhawan Space Center. Good evening and bye. Thank you so much. आप देख रहे थे श्रीहरिकोटा से सीधा प्रसारण, जहां इसरो को आज इस साल की दूसरी बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है और इसरो ने एक बार फिर इतिहास रचा है। इनसेट 3DS मौसम उपग्रह को लॉन्च किया गया है, सफल प्रक्षेपण हुआ है और इसरो प्रमुख
और इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने सभी वैज्ञानिकों को इस मौके पर बधाई दी है। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं जैसलमेर, जहां वायु शक्ति युद्धाभ्यास भारतीय वायुसेना के जरिए किया जा रहा है। कोई जमी की पहरेदारी में जुटा है, कोई सलामत रखे है हमारा आसमां, सबका मकसद सिर्फ एक है, हर हाल में सलामत रहे हिंदुस्तान। और अब थल सेना की एक टुकड़ी गन्स को सुरक्षित स्थान पर लेकर जाएंगे और वहां से दुश्मन पर धड़ाधड़ गोलों की बौछार की जाएगी। हार्दिक नमन है भारतीय वायु वीरों का, धरती से ज्यादा गगन है इनको प्यारा। शत्रु देखेंगे अपने सीने पर हाथ रखकर भारत देश की वायु शक्ति का नजारा। In the next demonstration, we will give you an insight into the capability of Indian Air Force to carry out attacks by unmanned aerial vehicles called attack drones. This system will destroy the radar sight of the enemy depicted by target number 16. It is an indigenous autonomous vertical takeoff and landing capable drone. It provides real-time feedback with respect to the accuracy of the hit. This drone is ideal to take on small targets and ensures low collateral damage. Electronic intelligence has provided fresh information that an enemy is tracking our movements through its radar. And so, it has become imperative that we destroy this radar situated at target number 16, position in front of you. Look straight ahead, high, as the drone may go into dive anytime. The attack drone has already been fired and is now on the way to the target. Keep your eyes glued on the target, as the attack drone may drop onto the target anytime, catching enemy by total surprise. In the realm of modern warfare, attack drones stand as a testament to the evolution of precision strike capabilities, offering shift in the way conflicts are waged. These are sophisticated weapons, combine the attributes of traditional munitions with the strategic advantage of loitering over the battlefield for extended periods, awaiting the optimal moment to engage targets with surgical precision. Listen to the sound of the drone as it dives toward the target. एक अचूक निशाना, दुश्मन की सेना का एक महत्वपूर्ण रडार नष्ट हो गया है। We now move on to firing of guided missiles from the ground. Our surface-to-air missile systems protect our deployed forces, airfields, and other civil infrastructure. The Indian Air Force has a large arsenal of surface-to-air missiles, of which the S-400 and MRSAM are the latest inductions, which provide not only point defense but area defense as well. Today, you'll witness firing of Samar and Akash missile systems. Coming up next is the Samar, which is a new indigenously developed system. Samar, known as the surface-to-air missile for assured retaliation, is now getting ready to fire its missiles on the meet. The target will be approaching from your left, 10 o'clock at a height of 1500 feet. And on the screen space in front of you, you can see a close-up image of the Samar system and its characteristics, white missiles. दर्शकों अब देखिए कि कैसे समर मिसाइल सिस्टम देश की वायु सीमा का उल्लंघन करने वाले दुश्मन के लड़ाकू जहाज को रोकती है। समर का विकास भारतीय वायु सेना की बेस मरम्मत डिपो और भारतीय कंपनियों द्वारा 2022 में हुआ है। Watch 12 o'clock to you. Flying in is the MEAT simulating an enemy aircraft. As soon as it comes into the engagement zone, the Samar missile system, which is located at your right 1 o'clock, will fire a missile. The missiles have taken a lock and is closely tracking the MEAT.
It will launch as soon as the launch solution is achieved. Keep your eyes glued towards the... The missile has crossed very close to the target. In actual case, with the comparatively larger size of the enemy aircraft, the proximity fuse of the missiles would engage and will give an assured destruction of the enemy. Watch as the enemy falls to the ground, burning up in flames. जो नर्म आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है, वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर नहीं कभी मरता है। जहां कहीं है ज्योति जगत में, जहां कहीं है उजियाला, वहां खड़ा है कोई सैनिक अंतिम मूल्य चुकाने वाला। Ladies and gentlemen, we have come to the end of the part one of Vayu Shakti 2024. But there is more that is left to be seen still. Before we commence our further firepower demonstrations, we will take a short... बदलो बदलो आदत बदलो 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 आदत बदलो अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। परफॉर्मेंस अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ फ्लाइट लेफ्टिनेंट एलएस रूपा चंद्रा, डायरेक्टर ऑफ म्यूजिक, द बैंड विल बी प्लेइंग मेलोडियस ट्यून्स कंसिस्टिंग ऑफ एयर वॉरियर सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा बैंड, नंबर 1 ईएमई बैंड एंड इंडियन नेवल सेंट्रल बैंड। The patriotic air of Pokhran range will be filled with tunes of Vande Mataram, Kadam Kadam Badhaye Ja, Bharat Humko Jaan Se Pyara Hai and many more. So stay tuned with us as we get back to you after a short break. Our next presentation will start at 6:40 p.m. तलवारों पे तलवार दिए अंगारों में। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं बीजेपी एग्जीक्यूटिव मीटिंग में, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित कर रहे हैं। सुनिश्चित करने के लिए 40,000 40,000 ऐसे कंप्लायंसेज हैं, या तो उन्हें हटा दिया गया है या उन्हें सिंप्लीफाई कर दिया गया है, उनका सरलीकरण कर दिया गया है। इन्वायरमेंट क्लियरेंस, पर्यावरण क्लियरेंस यह लेने में 600 दिन लग जाते थे, 2-2 साल, 2.5-2.5 साल इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिलता था लोगों को, सारे प्रोजेक्ट्स रुके रह जाते थे। 600 दिनों में मिला करते थे इन्वायरमेंट क्लियरेंसेस, अब वह 75 दिन से कम समय में अब लोगों को प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए विकास की गति में भी तेजी आई है। मेरे साथियों, 10 साल में कैपिटल एक्सपेंडिचर 5 गुना बढ़कर 10,00,000 करोड़ हो गया है, और आपको जानकर खुशी होगी इस बार वह बढ़कर 11,00,000 करोड़ हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में उन्होंने बतलाया है अध्यक्ष जी ने, लंबाई जहां 90,000 किलोमीटर से बढ़कर 1.46 लाख किलोमीटर अब हो गई है, और 4 लेन वाले राजमार्गों की लंबाई में तो 2.5 गुना वृद्धि हुई है। 25,000 किलोमीटर से अधिक रेलवे ट्रैक बिछाए गए हैं, और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1,300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन का कायाकल्प भी हुआ है। प्रमुख बंदरगाह जो हैं, वहां पर कार्गो मैनेजमेंट की क्षमता जितनी पहले थी उससे 2 गुनी हो गई है। मैं समझता हूं दक्षिण भारत साउथ इंडिया में रहने वाले लोग इसे अच्छी तरह समझते होंगे। हाई स्पीड कॉरिडोर की लंबाई 500 जो किलोमीटर हुआ करती थी, जो आज बढ़कर जो 500 किलोमीटर हाई स्पीड कॉरिडोर की लंबाई 10 साल पहले 500 किलोमीटर, आज वह 4,000 किलोमीटर से अधिक हो गई है। देश में 10,000 किलोमीटर गैस पाइपलाइन भी बिछाई गई है। सिर्फ 5 शहरों तक सीमित मेट्रो की सुविधा, मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, 20 शहरों तक पहुंच गई है।
देश की लगभग 2,00,000 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा चुका है। लगभग 11 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक पहली बार पाइप से पानी पहुंचाया गया। यह है हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री का बराबर यह प्रयास रहा है कि नीतियां और योजनाएं ऐसी बनाई जाएं जिससे हर नागरिक को जहां लाभ हो वहीं उसकी बचत भी हो। अब जल जीवन मिशन की वजह से गरीबों को पानी का शुद्ध पानी मिलना यह संभव हुआ है और इस वजह से आपको जानकर खुशी होगी कि बीमारी का भी खर्च यह कम हुआ है। आयुष्मान भारत की चर्चा हमारे अध्यक्ष जी ने की थी, लेकिन इसके कारण देश के गरीब का बचत कितनी हुई है? 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की यह बचत हुई है। जन पीएम जन औषधि केंद्र पर 80% का डिस्काउंट मिला हुआ है। आप जानते हैं इससे गरीबों की जेब की कितनी बचत हुई है? 30,000 करोड़ से अधिक की गरीबों की बचत हुई है। यह है हमारी सरकार। जन कल्याण का काम सरकारी खजाने पर बोझ न बनने पाए इसके लिए भी सरकार ने काफी दृढ़ता दिखाई है और मुफ्त बिजली इस देश में एक ऐसा लालच है जो कोई राजनीतिक दल या देने में रंच मात्र भी परहेज नहीं करता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने मुफ्त बिजली देने का वादा भले ही वह चुनाव का समय रहा हो कभी भी जनता के साथ नहीं किया है, बल्कि इसका एक नया तरीका हमारे प्रधानमंत्री ने निकाला है। वे 1 करोड़ घरों के लिए रूफटॉप सोलर स्कीम लेकर आए। इस स्कीम से लोग बिजली पैदा करके अपना बिजली बिल जीरो कर सकेंगे और ज्यादा बिजली बेचकर वह पैसा भी कमा सकेंगे। यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। यूपीए के समय एलईडी बल्ब 400 रुपए में मिलता था, अब जानते हैं एलईडी बल्ब 40-50 रुपए में मिलता है। 10 गुना कीमत कम हो गई है। एलईडी के कारण बिजली बिल में लोगों की करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए अब तक के बचे हैं, जो अनुमान है। साथियों, सिर्फ नारे देने से काम नहीं होता, लेकिन आजाद भारत में प्रथा चल पड़ी थी, नारे दो, लोगों को गुमराह करो, लोगों का मत हासिल करो। राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए मेरे बहनों भाइयों, राजनीति की जानी चाहिए तो देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए, समाज बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। 70 के दशक में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमारे यहां गरीबी हटाओ के नारे रात दिन दिए जाते थे, मगर गरीबी हटी नहीं। गरीबों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। गरीबी के नाम पर अपनी दुकान सजाने वाले लोग अमीर होते चले गए, मगर जब एक गरीब परिवार में जन्मे मोदी जी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला तो उन्हें पता था कि क्या करना है और जो किया उसका परिणाम यह हुआ है कि पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। गरीबी के संकट से उन्हें निजात मिली है। यह मेरा आंकड़ा नहीं है, यह नीति आयोग का आंकड़ा है, यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है मेरे साथियों, बल्कि एक तपस्वी प्रधानमंत्री की 10 साल की यह तपस्या का परिणाम है। गरीबों के लिए जिंदगी खपाने के संकल्प का यह परिणाम, यह कोई छोटी बात नहीं है। भारत की गरीबी पूरी तरह से दूर करने, भारत के विकास को नई गति देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो रोड मैप बना रखा है, मैं समझता हूं अभी से चुनाव होने। आप देख रहे थे भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन जो भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है, 2 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है, उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपना संबोधन दे रहे थे और अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि कैसे पिछले 10 सालों में मोदी के कार्यकाल में विकास की गति में तेजी आई है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि कैसे 10,000 किलोमीटर गैस पाइपलाइन पिछले 10 साल में फैली है और उन्होंने साथ ही कहा कि नारों से कोई बात नहीं बनती, राजनीति अगर करनी है तो विकास के नाम पर राजनीति करनी चाहिए। और उन्होंने मोदी कार्यकाल के 10 साल के कार्यकाल के बारे में बताया कि कैसे 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी कार्यकाल में सिर्फ नीतियां या योजनाएं नहीं बनी, नीतियां या योजनाएं ऐसी बनी हैं जिससे गरीबी भी कम हो सके और बचत भी साथ हो सके। तो ये तो था राष्ट्रीय अधिवेशन में रक्षा मंत्री का संबोधन। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, नमस्कार।